अस्सलाम वालेकुम। ये वाली वीडियो जो है ये ओडी ग्राम मस्जिद के बारे में। इस वीडियो में डिटेल में अंदर से भी मस्जिद दिखाया गया है। वीडियो की तरफ जाते हैं। ये मस्जिद जो है ना, ये ओडी ग्राम विलेज जो है डिस्ट्रिक्ट स्वात उसमें मौजूद है। अभी मस्जिद जो है ना, अभी इसमें न्यू कंस्ट्रक्शन भी नीचे हुई है फैसिलिटेशन के लिए, टूरिस्ट फैसिलिटेशन के लिए। ऊपर सीढ़ियों से हम मस्जिद की तरफ जाएंगे। ये महमूद गजनवी जो थे कनकर थे इस इलाके में, किंग भी थे अफगानिस्तान के, तो उनके बेटे भतीजे या बेटे हाकिम मंसूर, उन्होंने मस्जिद बनाई थी। उन्होंने 10 साल इधर स्टे किया था। इस एरिया से ऊपर राजा की रिपोर्ट भी है। तो इस मस्जिद में डुअल ट्रिपल हिस्ट्री है, मतलब हिंदू पीरियड की भी है, बुद्धिस्ट की भी और मुस्लिम पीरियड की भी। अब ये लास्ट टाइम 1958 में इसकी एक्सकवेशन हुई थी, फिर इसके बाद 1984 में भी हुई। तो अभी ये मस्जिद जो है इसकी, ये गवर्नमेंट ऑफ केबीके के अंडर आता है। अभी हम ऊपर मस्जिद की तरफ जाएंगे। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني. أبي هم مسجد میں انٹر ہو رہا ہے۔ یہ مسجد کا داخلی دروازہ ہے۔ یہ جو اوٹن دیوالے ہے پروٹیکشن کے لیے صرف بنائی گئی ہے۔ یہ ریکویسٹ ہے، مسجد کا حصہ نہیں تھا۔ ابھی اس مسجد کی ہسٹری یہ نہ کہ ادھر پہلے ہندو شاہی پیریڈ بھی تھا، بدھس پیریڈ بھی تھا، تو ادھر کچھ سٹرکچرز ایسے ہوں گے کہ وہ جو ابھی جیسے کہ یہ والا سٹرکچر ہے یہ بدھزم کے ٹائم کا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم باقی مسجد میں جائیں گے، یہ تو ابھی ہم باقی مسجد میں جا رہے ہیں۔ ابھی جیسے کہ جگہ جگہ پہ لکھے کہ دیواروں پہ چڑھنا وغیرہ منع ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ایک تو ہیریٹیج ہے، ایک ریلیجیس جگہ بھی ہے۔ جیسے یہ کہ اکثر اب اس میں یہ دیوار وغیرہ کچے ہوتے ہیں وغیرہ، تو اس وجہ سے یہ منع ہے۔ باقی ہم ابھی سائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہمیں ابھی جب سامنے نظر آ رہے ہیں سیڑھیوں کے سارے، تو یہ بھی ہم مین مسجد کے احاطے کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہم مین مسجد کے احاطے کی طرف جا رہے ہیں۔ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے سین ہے، اس سے آگے جو ہے یہ محراب ہے،
ये हॉस्टल्स वगैरह की जगह भी ये है, कुछ आसार है अभी इसके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं पता। आगे अभी हम जाएंगे ये मेन मस्जिद की तरफ। अभी आप इस दीवार को देख सकते हैं, ये जैसे कि ये बुद्धिज़्म के आसार लग रहे हैं, लेकिन इस पर मुख्तलिफ़ पीरियड्स में मतलब लोग गुजर चुके हैं, तो इस वजह से इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आसार नज़र आ। ये सामने सेन एरिया है, सामने जो जगह नज़र आ रही है वज़ू के लिए जगह, पानी वगैरह थे वो सामने जो आ जाते हैं वो मेहराब है। ये मस्जिद की मेन दीवार भी है लेफ्ट साइड पे। अभी इसमें भी बुद्धिज़्म के आसार और मुस्लिम पीरियड दोनों के आसार नज़र आते हैं। उससे आगे जो है रास्ता जाते हैं वो राइट साइड पे स्टूडेंट हॉस्टल की तरफ जाता है, ये मतलब जो तालिबे इल्म वगैरह रहते थे। इसके अलावा सेन में अभी भी पत्थर के आसार रहते हैं। मेहराब में जो जगह जगह पे जगह ये वो सतून के लिए जो जगह बनाई गई थी वो ये। तो ये हमारा मेन मस्जिद का एरिया है। मस्जिद के उस साइड पे भी कुछ जगह जो कमरे वगैरह हैं, तो अभी तो उस साइड पे नहीं जा रहे, इस साइड पे काम हो रहा है। ये वाली जो जगह है ये वज़ू के लिए बनाई गई थी। अभी हम आपको बाकी मस्जिद का वर्चुअल विज़िट करवा देंगे। अस्सलाम। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا La 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 la.